जय श्री राम मित्रों, मैं रघुवीर सिंह जाडेजा। मित्रों, जो देश का माहौल बना हुआ है और उस माहौल के तहत जिस तरह से हिंदू समाज को किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी पद्धति से, किसी ना किसी, वह चाहे आतंकवाद के स्वरूप में, बंदूक रूपी आतंकवाद के स्वरूप में हो या बौद्धिक आतंकवाद के स्वरूप में हो, लेकिन कहीं ना कहीं 2014 से हिंदू समाज को टारगेट करने का कुछ लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। और लोगों ने हद तो तब कर दी जब जय श्री राम के नारे को, यह नाम मित्रों इतना पवित्र है कि इस नाम के जब पत्थर, जब भगवान श्री राम लंका विजय के लिए समुद्र पार करने जा रहे थे, तब इस नाम के पत्थर जब समुद्र में फेंके गए तो वो पत्थर भी तैर गए। और कुछ फिल्मी भांडों को इस नाम से, इस नाम के बढ़ते स्वरूप से आपत्ति होने लगी है। मित्रों, ना इन्होंने कभी राम को जाना है, ना इन्होंने कभी भारत को जाना है। यह कम्युनिस्ट विचार वाले, यह दूषित प्रवृत्ति वाले फिल्मी भांड प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं कि जय श्री राम का नारा हिंसा का दूसरा रूप बन चुका है और देश की लघुमती इस नारे से भयभीत है। और कुछ झुंड जय श्री राम का नारा लगाकर गौ हत्यारों को मार रहे हैं। इनका कहना है कि ये गौ हत्या खुलेआम करे, इनको नहीं मारना है, अगर आप इसको मारोगे तो हम जय श्री राम के नाम का बहाना देकर पूरे हिंदू समाज को निशाने पर लेने का प्रयत्न करेंगे। और काफी हद तक ये लोग मित्रों सफल हो चुके हैं। आप सोचो कि कोई चोरी करने जाता है, अब हमारे वेदों ने तो कहा है कि अगर आपके घर कोई चोरी करने आता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। यह सनातनी वेदों ने कहा है, कोई आक्रांता अगर हथियारों से लैस होकर आप पर हमला करने आए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई दुष्ट आपकी जमीन पर कब्जा करने आए तो उसे भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई अल्लाउद्दीन किसी पद्मावती पर बुरी नजर डाले तो उसका भी अवश्य वध करना चाहिए, और यही धर्म है। किंतु कुछ लोगों ने, कुछ चोरों ने, कुछ गौ हत्यारों ने, कुछ क्रिमिनल मानसिकता वालों ने या कुछ जिहादी मानसिकता वालों ने जय श्री राम के नारे को ढाल बनाकर अपने कुकर्म, जो ये लोग कुकर्म कर रहे हैं, जो ये लोग हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसको छुपाने के लिए इन लोगों ने एक नई पद्धति बनाई है कि किसी झुंड ने अगर चोरी करते हुए किसी व्यक्ति को पकड़ लिया तो आपको मात्र इतना कहना है कि जय श्री राम का नारा बुलवाया, हमने नहीं बोला तो उसको मार दिया, मुझको मारा। मैं कल का ही आज तक देख रहा था, मुझे कहीं ना कहीं कुछ स्क्रीनशॉट भी मैंने लिए हैं कि जितने भी केस जय श्री राम के नारे के नाम पर हुए हैं उसमें से 70% केस झूठे साबित हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई बड़ा नेटवर्क देश में काम कर रहा है जो उगती हिंदुत्व की युवा ताकत को छिन्न भिन्न करने के लिए किसी ना किसी प्रकार की साजिशें करके पूरे देश के हिंदू समाज को बदनाम कर रहा है। और इसमें यह 49 फिल्मी भांड भी शामिल हो गए जिनको ना राम से मतलब है, जिन्होंने ना राम को जाना है, जिनके बीवियां भी रातों रात बदलती हैं, जिनके पति भी रातों रात बदलते हैं। आज ऐसी चरित्रहीन नाचने वाली या नाचने वाले व्यक्तियों को देश की चिंता होने लगी है, देश में रह रहे लघुमती समुदाय की चिंता होने लगी है। मित्रों, ना इनको कश्मीरी पंडितों को जब भगाया गया तब इनको कहीं पर भी देश में ना कोई हिंसा की इनको चिंता हुई, जब 2014 के दंगे हुए, जब असम से हिंदुओं को भगाया गया, न जाने कितने
कितनी बार हर जगह पर, वो चाहे कैरेना हो, चाहे 84 के सिख दंगे हो, यह भिन्नमी भांड कभी नहीं बोलते। लेकिन जब देश का हिंदू अपने हक के लिए लड़ रहा है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ रहा है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है, तब यह लोग श्री राम के नाम को बदनाम करने के लिए, श्री राम के नारे को बदनाम करने के लिए, और श्री राम के नारे के तहत यह नारा इनके लिए मात्र नारा नहीं है, इस नारे के तहत ये पूरे हिंदू समाज को दबाने का, इस समाज की आवाज को दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि इस देश में गौहत्या होती रहे, ये लोग चाहते हैं कि इस देश में चोरियां होती रहे, ये लोग चाहते हैं कि इस देश में हिंदू बेटियों का बलात्कार होता रहे, और ये लोग चाहते हैं कि हर क्षेत्र से हिंदू पलायन करता रहे। अगर हिंदू प्रतिकार करने के साहस करे, तब यह बुद्धिजीवी, यह जो पूरी एक गैंग है, वो निकल पड़ती है और कहती है कि देश में असहिष्णुता बढ़ गई है, देश में जय श्री राम के नारा हिंसा का प्रतीक बन गया है, देश में हिंदुओं गौ हत्यारों को मार रहे हैं, इसका अर्थ है कि इनको गौ हत्या कर देने करने दो, इनको चोरियां करने दो, इनको आतंकवादी प्रवृत्तियां करने दो, आप लोग इसका विरोध मत करो। देश के युवा धन को यहां से मैं कहना चाहूंगा कि इनकी साजिश को समझिए, मेरा लाइव आने से आपकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, लेकिन जिस तरह से ये लोग बुद्धि का प्रयोग करके हमें हराने का प्रयत्न कर रहे हैं, आपको भी उसी तरह से इनको हराना है, उत्तेजित होकर या फिर आक्रोशित होकर नहीं। आप मुझे बताइए कि ये 49 जो भी फिल्मी भांड है उसको बनाया किसने है? जब हमने इनको सेलिब्रिटी बनाया, तब ये लोग हमारे विरुद्ध हुए, जिनकी औकात घर में झाड़ू मारने की नहीं है, वह आज सेलिब्रिटी बन चुका है, और सेलिब्रिटी बनकर ये लोग देश की कैसी चिंता कर रहे हैं। पुलवामा में जब अटैक हुआ, तब इनको उन हुतात्मा जवानों की कभी इनको चिंता नहीं हुई, तब ये कभी नहीं बोलते कि कश्मीर में जो पत्थरबाजी हो रही है, उस पत्थरबाजी दौरान किस और कौन से धार्मिक नारे लग रहे हैं। इन्होंने कभी बताया कि वह धार्मिक नारे आज हिंसा का स्वरूप या हत्या का स्वरूप ले चुके हैं? IS कौन सा धार्मिक नारा लगाकर काफिरों की हत्या करता है, कभी ये लोग बोले? इतने पत्थरबाजी हुई, रोज जवानों के सर फूटते हैं, रोज कहीं ना कहीं कोई जवान शहीद होता है, इनमें से एक भी निकला कि हमें अब इस देश की चिंता होने लगी है, इस देश की आर्मी ही खतरे में है? ये नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? इनको पता है मरने वाले 99% हिंदू होते हैं, और मारने वाले कौन होते हैं मैं यहां से नहीं बोलूंगा, आपको पता है, तब ये नहीं बोलते। अगर हिंदू मरता है तो देश में असहिष्णुता कहीं नहीं होती, लेकिन हिंदू अगर स्वबचाव करता है तो यह गैंग जागरूक हो जाती है अपने बिलों से। ये चरित्रहीन लोग, ये नीच कक्षा के लोग हिंदुओं के विरुद्ध बातें करने के लिए निकल पड़ते हैं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, इससे पहले इन्होंने अवार्ड वापस किए थे, आज ये चिट्ठी लिख रहे हैं। यह बौद्धिक आतंकवादी गैंग, इस बौद्धिक आतंकवादी गैंग के मंसूबों को हम सबको फेसबुक के माध्यम से समझना पड़ेगा। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको भारत की वैश्विक छवि को खराब करना है। भारत का बहुमत समाज हिंदू धर्म को पालने वाला समाज है, अगर ये लोग हिंदू समाज को टारगेट नहीं करेंगे तो इनका जो मंसूबा है, अगर आप उसको राजकीय कहें या कम्युनिस्ट विचारधारा कहें, यह सफल नहीं होगा। जैसे कि बंगाल से कुछ सेन हैं, इसमें से मैंने 3-4 नाम पढ़े,
ये तीन चार नाम जो है कोकर्णा सेन या अर्पणा सेन, ऐसे कुछ पांच नाम है सेन 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 करके, जिनके पीछे सेन लगता है, ये लोग कर्नाटक या बंगाल से हैं। तो यह राजकीय एक स्टंट भी है जो शायद कहीं ना कहीं इसमें ममता भी इन्वॉल्व है, जो हिंदुओं को बदनाम करके, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी वोट बैंक है हिंदू। जय श्री राम का नारा उसका भी स्लोगन है, कई बार भारत के प्रधानमंत्री भी जय श्री राम बोलते हैं, और इस पक्ष की नींव भी हिंदुत्व आधारित है। इसलिए इन्होंने राजकीय मंशा के तहत, सांप्रदायिक मंशा के तहत, कॉम्यूनल मंशा के तहत इन लोगों ने सीधे राम को टारगेट किया है। मॉब लिंचिंग जो एक भारी बरखम शब्द है, इसके अंदर ये कहीं ना कहीं राम को घसीट रहे हैं। वह राम जिसने अहल्या को अपने एक पैर के स्पर्श से हजारों साल से पत्थर बने अहल्या को स्त्री बना दिया था, जिसके नाम के पत्थर भी समंदर में आज भी तैर रहे हैं, जिसके नाम मात्र से रावण का मोक्ष हो गया, उस राम को बदनाम करने के लिए या उस राम के नाम को, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम को इन लोगों ने मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं में सम्मिलित करके घसीट कर उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं को सीधा टारगेट किया है, और हम टारगेट हो भी गए। हमने पूरे मीडिया में इनकी चिट्ठी को उछाला, मतलब नेशनल मीडिया में भी यह मुद्दा अभी छाया हुआ है, और यह हलकट और नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति आज हिंदुओं की मूर्खता के कारण सेलिब्रिटी बनकर बैठे हुए हैं। आपकी और मेरी बात को कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जब ये कोई ट्वीट भी करते हैं तो यह नेशनल मुद्दा बन जाता है। इसका अर्थ है कि मात्र जय श्री राम का नारा इनको नहीं खटक रहा है, इनको यह सत्ता भी खटक रही है, इनको हिंदुओं की जागृति भी खटक रही है। हिंदू मार खा रहा था सदियों से, जब हिंदू प्रतिकार कर रहा है तब वह प्रतिकार भी इनको खटक रहा है, खल रहा है। तो इस विषय को आपको समझना होगा। और जब इन लोगों ने चिट्ठी लिखी तो इन लोगों ने भारत की लघुमती का विषय तो लिया है, इनमें इन्होंने हिंदुओं का अभिन्न हिस्सा दलित शब्द का भी उपयोग किया है। तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता लघुमती के साथ हिंदुओं का जो एक बड़ा हिस्सा है दलित वर्ग, उसको जोड़कर हिंदुओं को भी दो भागों में बांटने की रही है। आप इनकी मानसिकता को समझिए। ये बंदूक लेकर हिंदुओं के ऊपर हमला नहीं कर रहे, ना ये कहीं किसी हिंदू को मार रहे हैं, या अपनी बुद्धि से हिंदू समाज के सीने पर वार कर रहे हैं, हिंदू समाज को छिन्न भिन्न करने का। इनको कभी दलित समाज की चिंता नहीं हुई, इनको आज ही मॉब लिंचिंग के माध्यम से क्यों दलित समाज की चिंता होने लगी, जब उस मॉब लिंचिंग के बहाने इन्होंने श्री राम के नारे को भी साथ में घसीटा है। मतलब यह बौद्धिक आतंकवाद है जो फिल्म इंडस्ट्रीज में भी पूरी तरह से अपने पैर को जमाए हुए है। तुम और मैं सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाकर पूरा दिन लगाएंगे और शाम को सो जाएंगे, 2-4 पोस्टें डाल देंगे, लेकिन इनके जो मंसूबे हैं मित्रों बहुत बड़े हैं। यह वैश्विक दबाव भारत के ऊपर कि भारत की लघुमती भयभीत है, जबकि वास्तव में भारत का बहुमत हिंदू भयभीत है। हजारों ऐसी घटनाएं हैं जब एक झुंड ने हिंदुओं की हत्या की हो, लेकिन कहीं पर भी कोई भी हिंदू संस्थान उस पर शोर नहीं मचाता है, कोई हिंदूवादी संगठन उस पर शोर नहीं मचाता है। अगर कहीं शोर होता भी है तो उसको इतना मीडिया ट्रायल नहीं मिलता है, उस मुद्दे को इतना हाइलाइट्स नहीं मिलता है। लेकिन इनके ऐसे फिल्मी भांडों के चरित्र इन लोगों के मुद्दों को भी, या जो विरोध करते हैं वह भी लाइमलाइट बन जाता है। मित्रों तो कहीं ना कहीं आप सबको समझना पड़ेगा कि यह बौद्धिक आतंकवाद ना हमें धार्मिक बेस पर तोड़ने का प्रयास कर रहा है, यह हमारे देश के अच्छी छवि को भी खराब करने का
वैश्विक षड्यंत्र इन झुंडों के द्वारा हो रहा है। आप सबको इस बात को समझना पड़ेगा। ये दो साल पहले आपको मैं एक विषय लेता हूं, दो साल पहले किसी के गर्भ से गौ मास पकड़ा गया था, आपने आपको पता है ना, अवार्ड वापसी हुई थी, तब कितना बड़ा दबाव सरकार के ऊपर लगा था। उसी के बाद जब सरकार दूसरी बार सत्ता में आई तो आप और मैं बोल रहे हैं ना कि सरकार विश्वास जीतने निकली है। मित्रों, सरकार विश्वास जीतने नहीं निकली है, सरकार को मजबूर किया जा रहा है। क्योंकि आप और मैं ऑफिस में या घर में बैठकर कितना भी दिमाग चला लें, लेकिन जब वैश्विक दबाव आपके ऊपर आता है, अमेरिका जैसा देश भी जब टिप्पणी करता है कि भारत का लघुमती समुदाय सुरक्षित नहीं है, हिंदूवादी संगठन या हिंदूवादी संगठनों के मुखिया भड़काऊ भाषण देकर एक झुंड को या हिंदुओं के झुंड को हिंसा के लिए आकर्षित कर रहे हैं या उत्तेजित कर रहे हैं, ऐसा अमेरिका या फॉरेन के कई मीडिया में या प्रेस में भी ऐसी रिपोर्ट्स छपी हैं। इसका मतलब है कि जिस उद्देश्य के साथ ये अर्पणा सेन, ये कंकल सेन या ये कोई भी अनुराग कश्यप जैसे जो भी व्यक्ति हैं, इन लोगों ने जो षड्यंत्र रचा है उसमें कहीं ना कहीं ये लोग सफल हो जाते हैं, क्योंकि इनकी बात को सुनने वाले लोग, इनकी बात को जानने वाले लोग मुझको और आपको समझने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा तादाद वाले होते हैं। और इसीलिए हमारी सरकार को विश्वास जीतना पड़ता है, यह सरकार की मजबूरी है कि 100 करोड़ के हिंदू समाज को साइडलाइन करके यह लोग ऐसे दबाव में, हमारी सरकारें ऐसे दबाव में आकर विश्वास जीतने का प्रयत्न करती हैं, क्योंकि सरकार बदनाम ना हो, वैश्विक इनके ऊपर दबाव ना हो। मित्रों, यही कारण है इन सेलिब्रिटीज, इन भांडों का, सेलिब्रिटीज तो कौन कहेगा, इन भांडों का यह कौवा राग मचा रहे हैं, जो कौवे की तरह ये कां कां कर रहे हैं ना, इसी की वजह से ये लोग कह रहे हैं। और सरकार दबाव में भी आ रही है, क्योंकि हजारों हिंदुओं को मार दिया जाता है, लाखों हिंदुओं को घरबार किया जाता है, कहीं से कोई आवाज नहीं आती, लेकिन कहीं पर अगर किसी चोर को कोई झुंड मार दे तो फिर वो हिंसा का स्वरूप या कॉम्युनल राइट्स का स्वरूप ले लेता है। कोई गौ हत्यारे को अगर अपने आस्था को कोई बचाने का प्रयत्न करे और इस उसमें अगर कोई मारा भी जाए तो ये लोग कौवे की तरह कां कां करके पूरे भारत के हिंदू समाज को बदनाम करते हैं। तो मित्रों, यहां से सोचना आपको है कि ऐसी और कितनी सेलिब्रिटीज आपको पैदा करनी है आपके पैसों से। आप जब इनकी फिल्में देखने जाते हो, इनके गाने सुनते हो, इनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट देखते हो, उसका जब आप पैसा खर्चते हो, तब ये लोग सेलिब्रिटीज बनते हैं। तो मित्रों, भारत भर में हम हिंदू युवाओं को एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करना चाहिए जो रातों रात इनको रोड पर लाने का कार्य करे। उसके लिए बंदूक या हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया की इतनी प्रबल ताकत है कि वह रातों रात किसी को सेलिब्रिटी भी बना सकती है और रातों रात किसी को रोड पर भी ला सकती है। अगर पूरे भारत से हमारे पास एक मजबूत सोशल नेटवर्क हो, जो 1-2-5 लाख में नहीं, 50-100 लाख में, 1 करोड़ की तादाद में यह नेटवर्क हो, और रातों रात यह नेटवर्क ऐसे हिंदू विरोधी तत्वों के विरुद्ध सोशल मीडिया पर भी काम करे और जमीनी स्तर पर भी लोगों को जागरूक करने का कार्य करे। अगर कोई हिंदू धर्म का गलत विरोध करता है तो ऐसे लोगों को किस तरह से हमें सीधा करना चाहिए, यह भी हम सबको इस सोशल मीडिया के माध्यम से जानना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। किसी के लाइव आने से या किसी के लाइव को शेयर करने से ना ये मुद्दा खत्म होता है, ना ये फिल्मी भांड या इस जैसे कई कम्युनिस्ट बौद्धिक आतंकवादी शांत होंगे। इसका प्रॉपर हल हमें और आपको ढूंढना पड़ेगा, वरना एक दिन ये आएगा कि ये लोग
हमारे मंदिरों में भी ये लोग बोलेंगे कि जय श्री राम का नारा मंदिरों में भी नहीं लगना चाहिए, और अगर हिंदू चुप रहा तो सरकार वह कार्य भी करेगी। मित्रों इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वोट पर सत्ता चलती है, जय श्री राम के नारे पर नहीं। मुझे पता है कि आपने सरकार को बनाया है, लेकिन बनाकर अगर आप चुप बैठ जाओगे तो ये विश्वास जीतने वाले लोग कल हमको और आपको भी अंदर डाल देंगे। मेरी बात को समझना, ये कॉन्कर सेन जैसे लोगों के दबाव में भी आ जाते हैं। तो राजनीति को समझिए, इस बौद्धिक जो आतंकवादी गैंग है जो बुद्धि के स्वरूप में आतंकवाद का फैलावा करती है, जो सोच समझकर एक मुद्दे को पकड़कर उसको टारगेट करती है, तब यह विषय आता है, तब हमें लाइव में आना पड़ता है, और तब सरकार के भी दबाव में आती हैं, सरकारों को भी अपनी छवि को सुधारने का प्रयत्न करना पड़ता है। एक्चुअली में वास्तव में हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कहीं पर भी हिंदू हिंसक नहीं होता है। आपने कभी सुना कि किसी अमेरिकन प्रेस ने या अमेरिकन मीडिया ने यह कहा हो कि पाकिस्तान का लघुमती समुदाय पीड़ित है? एक महीने में या चार पांच महीनों में वहां पर 1000 से ऊपर धर्मांतरण हुए हैं, रोज हिंदुओं की लड़कियों को उठाया जा रहा है, जबरन उनसे निकाह किया जा रहा है। आपने कभी कहीं पर सुना? आपने किसी किसी विदेशी पत्रकार को आपने ये कहते हुए सुना कि ऐसा हुआ पाकिस्तान में या ऐसा हुआ बांग्लादेश में? फिर जब हिंदू किसी चोर को भी मार दे तो पूरे देश में असहिष्णुता कैसे फैल जाती है, कैसे सरकार को, कैसे भारत के पीएम को बोलना पड़ता है कि मॉब लिंचिंग पर हम काम कर रहे हैं। भाई मॉब लिंचिंग हो ही कहां रही है, हम खुद पीड़ित हैं 1400 वर्षों से, हम स्वयं मॉब लिंचिंग के भोग बने हुए हैं, आज भी बनते हैं। मेरे यहाँ 9 हिंदुओं की हत्या हुई है, सारी की सारी हत्या मॉब लिंचिंग के तहत हुई है, कहीं पर कोई सन्ना शोर नहीं है, कहीं कोई सरकार ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि हिंदू खतरे में है। फिर किसी चोर को मारने से, किसी गौ हत्यारे को मारने से हिंसा का समर्थन हम नहीं कर रहे हैं, किंतु अगर कोई व्यक्ति इसमें मर भी जाता है तो हिंदुओं के आस्था के, हिंदुओं के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम को कोई नीच व्यक्ति अपने मुंह से कैसे ला सकता है, कोई चरित्रहीन व्यक्ति कैसे कह सकता है कि जय श्री राम का नारा हिंसा का रूप ले चुका है, वह हिंसा का प्रतीक बन चुका है। तो भारत के पूरे हिंदू समुदाय को इस मुद्दे पर विरोध करना चाहिए, कड़ा विरोध करना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे वहां पे बीजेपी की सरकार हो, चाहे वहां पर कांग्रेस की सरकार हो, हमें विरोध अवश्य करना चाहिए। और ऐसे लोगों को सेलिब्रिटी बनाने से पहले, इनकी फिल्मों देखने से पहले भी हजार बार सोचिए, क्योंकि जय श्री राम का नारा लगाने वाले जो भी लोग होंगे, लेकिन जो हिंदू समुदाय जागा है वह 100 करोड़ में से अभी 2 करोड़ भी नहीं जागे हैं, बाकी के 98 करोड़ सोए हुए हैं। तभी यह लोग हिंसा के नाम पर पूरे हिंदू समाज को, मित्रों, बदनाम करते हैं। तो आप सबको इस विषय पर सोचना होगा, आप सबको इस विषय पर कारगत कार्य करना होगा, तभी यह समस्या खत्म हो सकती है। वरना आज इनको जय श्री राम के नारे से दिक्कत है, कल इनको हिंदुओं से भी दिक्कत होगी। मित्रों तो मेरी बात को समझिएगा, जानिएगा, बौद्धिक आतंकवाद के स्वरूप को भी आप देखिए। यह 49 जो हैं वह आतंकवादी ही हैं, केवल इनके हाथ में AK-47 नहीं है, आतंकवादी सरहद पार से भी आते हैं, और आतंकवादी भारत देश में भी निर्मित होते हैं, उनका अलग अलग स्वरूप होता है। सबका नाम अजहर मसूद हो ऐसा नहीं होता, कुछ का नाम कोंकण सेन भी हो सकता है, कुछ का नाम कश्यप, कुछ नाम है उसका अनुपम कश्यप, पता नहीं क्या है, इन भांडों का नाम मुझे याद भी नहीं रखना है, लेकिन कई अलग अलग नाम वाले, हिंदू नाम वाले भी आतंकवादी
हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए या फिर भारत को खंडित करने के लिए ऐसी विचारधारा को पूरे भारत में फैला रहे हैं। मित्रों, तो संगठित होकर एकजुट होइए। पूरे भारत से हमारा एक मजबूत, अलग अलग लाइव, अलग अलग शहर नहीं मित्रों, एक मजबूत नेटवर्क 1-2-5 करोड़ का होना चाहिए। एक मजबूत परिवार होना चाहिए जो रातों रात किसी भी व्यक्ति को, अगर वो हिंदू विरोधी है, अगर वो देश विरोधी है, अगर वो राष्ट्र विरोधी है, तो उसको रात को सोने ना दे, बंदूक लेके नहीं, अपने सोशल मीडिया की ताकत से। उनकी फिल्में रातों रात बंद होनी चाहिए, उनको मिलने वाले एडवर्टाइजमेंट बंद होने चाहिए, उनको मिलने वाली मार्केटिंग, जो जो लोग जहां से उनको फंड आता है, जिन संस्थाओं से फंड आता है, वह भी रातों रात बंद होने चाहिए। उस ताकत को जिस दिन हमने प्राप्त कर लिया मित्रों, इन आतंकवादियों की कभी हिम्मत नहीं होगी कि जय श्री राम जैसे पवित्र नारे को यह लोग हिंसा का स्वरूप दे, जो दया का स्वरूप है, जो मोक्ष का स्वरूप है, जो नारा पूरे विश्व के मानव समुदाय को एकजुट करने का प्रतीक है। राम अयोध्या से लेकर रोम तक, लंदन तक, जिस नारे ने मानवता का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया, पवित्रता का संदेश दिया, लोकतंत्र का संदेश दिया, उस नारे को इस तरह से बदनाम करने की किसी भी झुंड की हिम्मत ना हो मित्रों। आपका और मेरा यह दायित्व है कि मजबूत रहें, एकजुट रहें, जातिवाद को खत्म करें, विचारों से एको, मात्र फेसबुक पर नहीं, जमीनी स्तर पर भी एको, एक विचारों से एकत्रित हो। जैसे माला में अलग अलग मणके एक होकर मजबूत माला बनती है, उसी तरह से प्रांत प्रांत, प्रदेश प्रदेश, राज्य राज्य, तहसील तहसील के हिंदू एकजुट होकर भारत में एक मजबूत नेटवर्क का निर्माण करें। हम किसी भी सरकार के भरोसे नहीं रह सकते, ना हम किसी संस्था के भरोसे रह सकते हैं। हम स्वयं मजबूत हो, हिंदू स्वयं अपने घर की सुरक्षा करने के लिए सक्षम हो, वैसा वातावरण देश में, देश का हिंदू युवा खड़ा करे। किसी को डराने के लिए नहीं, लेकिन स्वरक्षण के लिए। आप सबको मेरी बातों को गंभीरता से लेकर कुछ ना कुछ ऐसा उपाय आपको करना ही पड़ेगा, जिससे इस तरह से जय श्री राम के नारे को बदनाम ना किया जाए, हिंदुओं को बदनाम ना किया जाए। तो मित्रों, आपने देखा कि किस तरह से बौद्धिक आतंकवाद हम हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। मॉब लिंचिंग में भी दलितों को घसीटा जा रहा है। मॉब लिंचिंग, कोई गौ हत्या करता है तो बोला कि जय श्री राम का नारा बुलवाया, मतलब ये लोग चोरी करेंगे अपने पाप को छुपाने के लिए, हिंदुओं को बदनाम करेंगे कि बोला जय श्री राम का। तो मित्रों, सोचिए समझिए, तुम लोग केवल दो पोस्ट डालने के लायक ही हिंदू हो, ये लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और सफल भी हुए हैं। हमें भी ऐसी सेलिब्रिटीज कहीं ना कहीं से ढूंढ के लानी पड़ेगी, चाहे वो भांडी क्यों ना हो, लेकिन कोई हिंदू, ऐसे कट्टर हिंदुओं को भी फिल्म इंडस्ट्री से ढूंढ के लाओ, जो किसी किसी हमारे यादव भाई की हत्या हो तो उस पर भी बोले, किसी किसी बच्ची का, हिंदू बच्ची का रेप, तो वो भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखे। कभी आतंकवादी हमला हमारे जवानों के ऊपर हो तो वो भी कहे कि भारत का हिंदू खतरे में है, भारत के बहुमत समाज को लघुमती से भय है, पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए भी आवाज लगाएं। ऐसे हमारे पास भी कोई लोग होने चाहिए, लेकिन दुखद है कि ऐसे लोग हमारे पास नहीं है। क्योंकि हिंदू से जब सफल हो जाता है तो वो केवल अपना विचार करता है, ना उसे धर्म की पड़ी होती है, ना उसे राष्ट्र की पड़ी होती है। लेकिन ये जो कम्युनिस्ट विचार वाले हैं, यह जो जिहादी विचार वाले हैं, वो चाहे कितने भी सफल हो जाएंगे, वो वहां से भी अपने धर्म की चिंता करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति इसका बड़ा और जीवंत उदाहरण है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी हमिद अंसारी, या क्या नाम था उनका, उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका डर नहीं गया, तब भी वो वहां से भी उच्च पद पर, भारत के श्रेष्ठ पद पर बैठकर भी वो लोग कहते हैं कि हमें भय लग रहा है।
जावेद अख्तर को भी भय लगता है, नसरुद्दीन को भी भय लगता है, शबाना आजमी को भी भय लगता है, आमिर शाहरुख सबको भय लगता है, कंकण सेन को भी जय श्री राम के नारे से दिक्कत है। और हम जो हैं कि अपने काम धंधे में इतने मशगूल हो गए हैं कि हमें इन विषयों की चिंता ही नहीं है, और एक दिन यह समस्या तुम्हारे और मेरे घर तक आ जाएगी। मित्रों, तो यही आज का विषय था, आप सबने ध्यान से सुना, केवल सुनने और शेयर करने से कुछ नहीं होगा, इस विषयों पर आपको काम करना पड़ेगा, इन आतंकवादियों को भी आपको परखना पड़ेगा, भले इनके हाथ में AK-47 ना हो लेकिन ये उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। उनसे लड़ने के लिए तो सेना सरहद पर काम कर रही है, लेकिन इन घर के अंदर जो भेड़िया आतंकवादी बैठे हैं उनको खुला करने के लिए आपको और मुझे कार्य करने पड़ेगा, तभी सरकार आपकी आवाज़ सुनेगी, वरना ये सरकार भी आगे की सरकार की तरह ही विश्वास जीतने में इसका भी पतन अवश्य हो जाएगा। तो यही आज का विषय था, जय श्री राम का नारा कतई हिंसा का स्वरूप नहीं हो सकता। आप सबको, जितने भी मित्र अभी देख रहे हैं, सब एक बार अपनी अपनी तरह से कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए और जय श्री राम के साथ ही इसको शेयर करिए, ताकि इसको देखने वाला, इसको सुनने वाला प्रत्येक मनुष्य मोक्ष के ओर आगे बढ़े, प्रत्येक मनुष्य पवित्रता की ओर आगे बढ़े। तो आप सबको जय श्री राम अगणित बार, हजारों बार लिखना है, बोलना है और शेयर करना है, तभी पता चलेगा कि क्या ताकत होती है जय श्री राम के नारे की। जय श्री राम, हर हर महादेव।